हेलो गाइज, वेलकम टू अर चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आऊँगा आता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था, कोई भी अपडेट होगा तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। तो ये अपडेट भर्तियों पर लगने वाला स्टे है, केवीएस के जो रिजल्ट आ रहे थे उन पे स्टे, क्योंकि आप सभी को पता है कि इरेगुलरिटीज़ न्यूज़पेपर में आई है, उसके खिलाफ़ FIR हुई है और केवीएस उसके बावजूद भी डिनाई करे जा रहा है और अपना काम आगे बढ़ाया जा रहा है और ज्वाइनिंग देने की तरफ बढ़ता जा रहा था। तो मैंने आपको कहा था और वैसा ही वही सही तरीका, ऐसा नहीं कि मैंने कहा इसलिए सही तरीका, वही सही तरीका है कि केस करना। तो किसी ने गेट पे कैट पे केस करा केवीएस में, तो उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने पहले पढ़ लेते हैं, इंस्टेंट MA मतलब मिसलेनियस एप्लीकेशन, ठीक है ना, हैज़ बीन फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट सीकिंग परमिशन ऑफ द ट्राइब्यूनल टू फाइल द प्रेजेंट OA ओरिजिनल एप्लीकेशन जॉइंटली। ओके, इसके बाद लिखा हुआ है कि द प्रेजेंट OA इज लिस्टेड टुडे आफ्टर नोटिस ऑफ कंसीडर एप्लीकेशन प्रेयर और ग्रांट इंटरिम रिलीफ। मतलब सिंपली बता देता हूँ, आप पढ़ लेना पॉज करके, कि ये कह रहा है कि जो एप्लीकेंट्स है जिन्होंने केस करा, उन्होंने कहा कि जो भी इरेगुलरिटीज पकड़ी गई हैं एग्ज़ाम के थ्रू, उनका प्रोसीजर पूरा होने से पहले, उनकी तहकीकात पूरे होने से पहले KVS रिजल्ट ना निकाले, ठीक है ना, ये एप्लीकेशन में फाइल करा गया था। किस किस रिजल्ट की बात कर रहा है, PGT हिंदी, PGT बायोलॉजी और PGT इंग्लिश, ठीक है ना, जो 25/4/2023 को डिक्लेयर हुए थे। वो ये कह रहा है इनके प्रोसेस को आगे रोक दिया जाए, जो केस कर रहा है एप्लीकेंट, उन्होंने कहा इसकी प्रोसेस को रोक दिया जाए क्योंकि ये रिलीफ उन्होंने मांगी कैट से, ठीक है ना, तो कैट ने इसे अप्रूव कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी केस का एग्जांपल है जर्नैल सिंह और लक्ष्मी नारायण गुप्ता एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे करके कुछ क्या लिखा हुआ है। देखो पॉइंट नंबर 4, लर्न काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट सीक्स एंड इज अलाउड 4 वीक टाइम टू रिप्लाई। 4 हफ्तों का समय, मतलब अगर आप ये मान के चलो कि जो जिन जिन एग्ज़ाम की बात की, किन किन एग्ज़ाम की बात कर रखी है, PGT हिंदी, PGT बायोलॉजी, PGT इंग्लिश, इनके एग्ज़ाम का रिजल्ट आना, लिस्ट आना, इंटरव्यू होना, जो भी प्रोसेस जहाँ तक पहुँची थी, उसे 4 वीक के लिए स्टे कर दिया गया है, ठीक है। लिस्ट द OA ओरिजिनल एप्लीकेशन ऑन द डेट ऑलरेडी फिक्स्ड, दैट इज 9/8/2023, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि ओरिजिनल एप्लीकेशन जो भी है उसे 9/8/23 से पहले सॉल्व करना है, ठीक। तो ये क्या बता रहा है, कईयों को नहीं समझ आया, मैंने भी आपको कहा था, मैंने आपको कहा था कि जो भी रेगुलेटरीज हुए उसके खिलाफ जिसने केस करा है उसको पूरा होने से पहले रिजल्ट की प्रोसेस आगे नहीं बढ़नी चाहिए, जो कि पढ़ने वाले बच्चे और मेहनत करने वाले बच्चे के हित के अगेंस्ट है। तो वही चीज़ हो रही है। तो जिन जिन ने केस करा, बहुतों ने करा, आपको मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत लोगों ने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो उसी आवाज़ के लिए ये हो रहा है। तो 4 वीक का डिले आ गया, किन किन पे, कौन कौन से रिजल्ट पे लिखा हुआ है, PGT हिंदी, PGT बायोलॉजी और PGT इंग्लिश। मैं तो पहले भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूँ कि सिंपल सी बात है, री एग्ज़ाम होना चाहिए। अब जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया वो खुश रहेंगे और वो कहेंगे कि मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन इररेगुलरिटीज़ जो हुई हैं वो जो सामने आ गई वो तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन जो नहीं आई उसके बारे में क्या, ठीक है ना। और हो सकता है वो आपकी सीट भी खाए जो सोच रहा है कि मेरा एग्ज़ाम सही गया है, ठीक है। बाकी जो भी था मैंने बता दिया अपडेट, ये 6/6/2023 का अपडेट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो भी अपडेट होगा आगे का बताया जाएगा। अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।